और फास्टनिंग्स। अब जो ये फिटिंग्स और फास्टनिंग्स हैं, ये प्रोवाइड करी जाती हैं रेलवे ट्रैक में, ताकि ये रेल को प्रॉपरली पोजीशन में रख सके। और उसका मतलब इसका ये भी काम होगा कि रेल और जो स्लीपर्स है उसको ज्वाइन करें, या फिर रेल को रेल से ज्वाइन करने के लिए ये काम आती है, ठीक है, अलग अलग टाइप की होती है। और ये क्या, इनकी हेल्प से हम जो रेलवे ट्रैक है उसको उसकी पूरा लेवल्ड रखेंगे, ठीक है, और उसकी अलाइनमेंट वगैरह प्रॉपर रहेगी, गेज पूरा मेंटेन रहता है इसकी हेल्प से, ठीक है। तो ये अपना काम बिल्कुल सही से करती है, ताकि ये सारी चीज़ें जो है परफेक्ट रहे, ठीक है। इसमें सबसे पहले आती है फिश प्लेट। फिश प्लेट की हेल्प से हम दो रेल्स को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, दो रेल्स को ज्वाइन कर सकते हैं हम फिश प्लेट की हेल्प से। और इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्लेन में एकदम पकड़ के रखती है ये फिश प्लेट, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे इस डायग्राम में दो रेल्स है, यहाँ पे ये रेल एंड हो रही है और ये वाली रेल दूसरी वाली स्टार्ट हो रही है, जिसको इसने कनेक्ट करा हुआ। यहाँ पे ये प्लेट आपको दिख रही होगी, ठीक है। इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम ऐसी एक और प्लेट लगाई जाती है, दो प्लेट्स को कनेक्ट करके एक मतलब पूरा जॉइंट ये बनता है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे ये फिश प्लेट, इसका दूसरा नाम होता है रेल जॉइंट बार, ठीक है, इसीलिए नाम होता है क्योंकि ये रेल्स को कनेक्ट करती है। फिर उसके बाद ये इसका दूसरा काम क्या होता है, ये रेजिस्ट करती है हैवी ट्रांसवर्स शियर, जो कि रेल पे आ रहा होगा। मिनिमम यहाँ पे 4 फिश बोल्ट की जरूरत होती है हमें, और 2 फिश प्लेट की जरूरत होती है। ये वाली जो जॉइंट है इसमें यहाँ पे 2 फिश प्लेट की जरूरत है, एक यहाँ पे दिख रही है, दूसरी वाली इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे 4 आपको बोल्ट दिख रहे हैं, बोल्ट की टेल दिख रही है आपको और नट दिख रहे हैं। दूसरी वाली साइड इसका हेड होगा, इस तरीके से इसका हेड होता है ना, और यहाँ पे थ्रेड्स लगे होते हैं जिसकी हेल्प से हम एक और नट इसके पीछे से इंस्टॉल कर देते हैं और इसको टाइट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको इस डायरेक्शन में दिख रहे हैं नट्स, 4 नट्स दिखाई दे रही है और टेल दिखाई दे रही है। तो ये हमारे पास 4 बोल्ट होती है जिनकी हमें जरूरत पड़ती है, और 2 फिशिंग फिश बोल्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। दूसरी 2 फिश प्लेट की जरूरत पड़ती है और 4 फिश बोल्ट की जरूरत पड़ती है। और जो हमारे पास फिश प्लेट है, अगर इसको बहुत टाइट कर दिया जाए ना, इसकी टाइट होने की वजह से जो रेल्स है ना वो एक्सपैंड नहीं कर पाएंगी प्रॉपरली, जिसकी वजह से बकलिंग वगैरह हो सकती है। दूसरा, हमारे पास जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, जहाँ पे ये रेल्स और ये जो है इसका सरफेस है, रेल का सरफेस और ये जो प्लेट है जहाँ पे ये कॉन्टैक्ट कर रही है, इनके बीच का कॉन्टैक्ट जहाँ पे बना हुआ है, वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को, उस पोर्शन को बोलते हैं फिशिंग प्लेन, ठीक है, फिशिंग प्लेन उस पोर्शन को बोलेंगे। और जो ये फिश प्लेट है ना, इसको मतलब कि ये पकड़ के रखता है पूरा इस पोर्शन को इस प्लेन में। और दूसरी बात, यहाँ पे एक और चीज़ मैंने ऐड करी हुई है, फिलेट। फिलेट क्या होता है, यहाँ पे ये रेल आपको दिख रही है, रेल की यहाँ पे आपको इस तरीके से डायमेंशन दिख रही है। कई बार हम डायग्राम बनाते हैं तो इस तरीके से हम बना देते हैं कि ये रेल है, ऐसी नहीं होती है, रेल इस तरीके की होती है, ठीक है, ये हमारे पास आगे ये ऐसे, ठीक है। अब जो हमारा जो आप डिफरेंस क्लियरली नोटिस कर पा रहे होगे ये वाले पोर्शन में, तो ये जो पोर्शन है ना, इसको बोला जाता है फिलेट, ठीक है। यहाँ पे इसको फिलेट जो बोला जाता है, ये फिलेट क्यों प्रोवाइड करा जाता है ये मैं आपको बता देती हूँ, ताकि ये यूनिफॉर्म हीटिंग और कूलिंग हो सके। पहले तो कास्टिंग जब करी जाती है मटेरियल की, ठीक है, उस टाइम पे, और दूसरा इससे लेस मतलब कि लेस स्ट्रेस कंसंट्रेशन होगी इस पॉइंट पे, जिसकी हेल्प से मतलब इस फिलेट की हेल्प से तभी ये फिलेट प्रोवाइड करा जाता है, ठीक है। इसके बाद आती है फिटिंग्स, जो कि वुडन स्लीपर्स में यूज करी जाती है, जिसमें स्पाइक, स्क्रूज और बियरिंग प्लेट्स वगैरह आती है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आएगी डॉक स्पाइक्स। डॉक स्पाइक्स को यूज करा जाता है रेल को वुडन स्लीपर के साथ कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, फिक्स करने के लिए। अब यहाँ पे डॉक स्पाइक इसका नाम क्यों है, आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये फर्स्ट वाली डॉक स्पाइक है, इसका जो ईयर है वो डॉग के साथ रिजेंबल करता है, इसलिए इसका नाम डॉक स्पाइक रख दिया हुआ, ठीक है। ये फर्स्ट वाली जो है ये डॉक स्पाइक है, और यहाँ पे ये जो अगर स्ट्रेट ट्रैक होगा ना, तो दो डॉक स्पाइक्स की जरूरत पड़ेगी, अगर कर्व ट्रैक होगा तो 3 की जरूरत पड़ेगी, जॉइंट स्लीपर्स और ब्रिजेस में हमें 4 की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, 4 डॉक स्पाइक्स की जरूरत पड़ेगी। सेकेंड नंबर पे हमारे पास आती है राउंड स्पाइक्स, जो कि यूज करा जाती है अलोंग विद एंटी क्रीप बियरिंग प्लेट। इसमें एंटी क्रीप बियरिंग प्लेट की भी जरूरत पड़ती है फॉर फिक्सिंग रेल टू द स्लीपर्स। यहाँ पे आप राउंड स्पाइक्स जो है वो देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद आती है फ्लैंज बोल्ट, विच आर एम्प्लॉयड अंडर द स्विचेस फॉर फास्टनिंग साइड चेयर टू द स्लीपर्स। साइड चेयर को स्लीपर्स के साथ मतलब स्विचेस में ये यूज करी जाती है ज्यादातर, साइड चेयर को स्लीपर के साथ जो कनेक्ट करने के लिए ये यूज करी जाती है, ठीक है। और ये जो यहाँ पे आप डायग्राम भी देख सकते हो फ्लैंज बोल्ट की,
फ्लैट गुड्स, ठीक है, ये वाली जो थर्ड वाली है। फिर उसके बाद फोर्थ वाली है हमारे पास, यहाँ पे ये इसकी डायग्राम है, स्क्रू स्पाइक्स है ये, ठीक है, फोर्थ नंबर पे आती है ये स्क्रू स्पाइक्स जो है। अब इसमें अगर हम 20 mm की 20 mm के जो स्क्रू स्पाइक्स है वो लेती हैं, तो उसको हम प्लेट स्क्रूज बोलेंगे, और इसको यूज करा जाएगा इन प्लेस ऑफ राउंड स्पाइक्स। ये राउंड स्पाइक्स जो है उसकी जगह पे इसको यूज कर लिया जाएगा, और इसको फिक्स करा जाएगा रेल टू द स्लीपर्स को फिक्स करा जाएगा इसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ एंटी क्रीप बियरिंग प्लेट, जैसे सिमिलर वे में पहले यूज करी जा रही थी एंटी क्रीप बियरिंग प्लेट, ठीक है, राउंड स्पाइक के केस में। वैसे ही अब उसकी प्लेस पे इसको यूज करा जा सकता है स्क्रू स्पाइक्स को। अगर ये जो स्क्रू स्पाइक्स है उसका डायमीटर 22 mm का होगा, अगर ये 22 mm का होगा ना, तो इसको हम रेल स्क्रूज बोलेंगे, ठीक है, और इसको यूज करा जाएगा डायरेक्टली विदाउट बियरिंग प्लेट, ठीक है, बियरिंग प्लेट के बिना हम इसको यूज कर पाएंगे, ताकि रेल और स्लीपर्स को ज्वाइन करा जाए विदाउट बियरिंग प्लेट, ठीक है, 22 mm का अगर होगा। यहाँ पे ये 22 mm वाला है, यहाँ पे आप देख सकते हो 22 mm और ये 20 mm का, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास फिफ्थ नंबर पे आती है बियरिंग प्लेट्स, जो कि यूज करी जाती है वुडन स्लीपर्स में। बियरिंग प्लेट यूज करती है फॉर फिक्सिंग वुडन स्लीपर्स टू द रेल, ठीक है। इसमें सबसे पहला इसका टाइप है माइल्ड स्टील कैंटेड बियरिंग प्लेट, जिसकी डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड इसमें है फ्लैट माइल्ड स्टील बियरिंग प्लेट, ये जो है कैंटेड वाली है, फ्लैट वाली जो होगी वो बिल्कुल इस तरीके की होती है, ठीक है, यहाँ पे ये स्क्वायर पोर्शंस होती हैं, यहाँ पे हम स्पाइक्स वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं, इस तरीके की होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आती है कास्ट आयरन एंटी क्रीप बियरिंग प्लेट, ठीक है, इस तरीके की भी हो सकती है, ये थर्ड टाइप है इसका, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है फोर्थ, जो कि स्पेशल टाइप की कास्ट आयरन बियरिंग प्लेट है, जो कि सिर्फ बुल हेडेड रेल्स में यूज करी जाती है, ये इसकी डायग्राम है, ठीक है। इसके बाद आती है फिटिंग्स फॉर स्टील ट्रफ स्लीपर्स। अब जो स्टील के लिए मेटल स्लीपर्स जो है, मेटल स्लीपर्स के लिए डिफरेंट फिटिंग्स वगैरह यूज करी जाती है, वुडन स्लीपर्स से अलग होती हो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आती है लूज जॉस और कीज। लूज जॉस और कीज का यूज करा जाता है होल्ड करने के लिए रेल और स्टील ट्रफ स्लीपर्स को। यहाँ पे आप इसकी डायग्राम देख सकते हो, अप्रोक्सीमेटली 100 लूज जॉस जो होते हैं ना, ये अप्रोक्सीमेटली 28.8 kg के बराबर होगा इसका वेट, 100 लूज जॉस का वेट, ठीक है। इसके सिवाय हमारे पास सेकेंड आती है टू वे की, और टू वे की जो है ये यूनिवर्सली अडॉप्टेड है फॉर फिक्सिंग ट्रफ स्लीपर्स को भी इसकी हेल्प से करा जा सकता है। और हमारे पास स्पॉट स्लीपर्स थे और CST9 स्लीपर्स, इनमें भी ये यूज करी जाती है टू वे कीज, ठीक है। इसके बाद है फिटिंग्स ऑफ CI स्लीपर्स, यानी कि कास्ट आयरन स्लीपर्स में कौन सी फिटिंग्स यूज करी जाती हैं। इसमें कास्ट आयरन स्लीपर्स में हमें क्वार्टर्स और टाई बार्स वगैरह का हम यूज करते हैं, ठीक है। क्वार्टर्स जो होते हैं वो यूज करे जाते हैं फॉर फिक्सिंग टाई बार्स टू द कास्ट आयरन स्लीपर्स, ठीक है। इन क्वार्टर्स का यूज करते हैं, जिसकी एग्जाम्पल हो जाएगी सेंटर स्प्लिट क्वार्टर, साइड स्प्लिट क्वार्टर, सॉलिड एंड एंड स्प्लिट क्वार्टर और बेंट प्लेट्स क्वार्टर्स। यहाँ पे आप डायग्राम भी देख सकते हो सॉलिड और बेंट प्लेट क्वार्टर की, ठीक है। अब यहाँ पे इस क्वार्टर के साथ हमारे पास ये माइल्ड स्टील टाई बार्स जो होते हैं, इनका भी यूज करा जाता है। माइल्ड स्टील टाई बार्स को यूज करके हम होल्ड करते हैं टू प्लेट्स ऑफ CST9 स्लीपर्स को एक साथ पकड़ के रखने के लिए, ये काम आती है टाई बार्स, ठीक है। इलास्टिक फास्टिंग्स जो है, इसमें मतलब जो फास्टिंग है उसका मेन जो काम होता है रेल को स्लीपर के साथ कनेक्ट करना, फास्टिंग्स का ये मेन काम होता है। और जो ये फास्टिंग्स हैं ये क्लिप्स के फॉर्म में यूज करी जाती है, जैसे कि हमारे पास सबसे पहले है पेंड्रोल क्लिप, ठीक है। ये पेंड्रोल क्लिप जो है इसका दूसरा नाम इलास्टिक रेल क्लिप है। ये जो पेंड्रोल PR410 क्लिप है ना, इसको यूज करा जाता है इलास्टिक फास्टनिंग के तौर पे इंडियन रेलवेज में, ठीक है। उसके बाद इसका जो ये जो पेंड्रोल क्लिप है, आप डायग्राम में भी देख सकते हो, ये वाली होती है, ठीक है, ये जो है। और यहाँ पे ये एक फिट एंड फॉरवर्ड टाइप होती है, मतलब इसको हमें बहुत ज्यादा मेंटेनेंस वगैरह इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं होती है, मतलब इसको लगा दिया और उसके बाद हमें भूल जाना होता है, ठीक है। इसलिए इसका नाम फिट एंड फॉरवर्ड टाइप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास है IRN-202 क्लिप्स, जो कि इलास्टिक फास्टिंग की तौर पे यूज करी जाती है, और RCC टू ब्लॉक RCC कंक्रीट स्लीपर्स में यूज करी जाती है, ठीक है।
फिर उसके बाद है लॉक स्पाइक्स। लॉक स्पाइक्स यूज करी जाती है वुडन स्लीपर्स में, ठीक है, और वुडन स्लीपर के साथ में ये यूज करी जा सकती है। उसके बाद है स्प्रिंग स्टील क्लिप्स, इनका भी यूज करा जाता है, और जिसमें डबल इलास्टिक, इसकी असेंबली में डबल इलास्टिक फास्टनिंग्स होंगी जिसको यूज करा जाएगा प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट स्लीपर्स में, ठीक है। फिर उसके बाद है इलास्टिक रेल क्लिप MK3, ठीक है, ये जो है इसको यूजफुल होती है, ये दोनों के लिए 52 kg और 60 kg रेल्स जो है दोनों के लिए ही यूज करी जाती है। विद इसके साथ साथ ये 6 mm थिक रबर पैड्स भी इसके साथ रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है।